नॉलेज ग्रिप केस खास वीडियो क्लिप में आपका स्वागत है। अपने इस स्पेशल वीडियो सीरीज में हम सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क रीसेंट जजमेंट ऑर्डर्स और रूलिंग्स के ऊपर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट में दिए एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग के बारे में बात करेंगे, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 को लेकर के दिया गया। अब क्योंकि हम हाल ही में सेक्शन 27 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हमने समझा है, तो इसलिए मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस रीसेंट रूलिंग को, जो कि सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट को लेकर के दिया गया है, आपके बीच प्रेजेंट करूं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए। केस का टाइटल है राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में अपने रूलिंग को दिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हम जानते हैं कानूनों के निर्वचन का जो कार्य है वो कोर्ट्स करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज इन द हैंड ऑफ कोर्ट्स, राइट। अब सेक्शन 27 क्या कहता है, सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिकॉल करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हो और कन्फेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, तो एविडेंस एक्ट के प्लेलिस्ट में आपको कन्फेशन से जुड़े जितने भी सेक्शंस हैं उन पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। देखो सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। एक्यूज्ड पर्सन से पुलिस कस्टडी में अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, तो उस इंफॉर्मेशन के कितने पार्ट को हम रेलेवेंट मानेंगे, उस इंफॉर्मेशन के कितने पार्ट को हम एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल मानेंगे, तो सेक्शन 27 क्लियरली ये कहता है कि पुलिस कस्टडी में अगर ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, तो उस इंफॉर्मेशन के केवल उतने ही पार्ट को एडमिसिबल माना जाएगा, उसके अगेंस्ट माना जाएगा, विच आइदर अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट। तो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड पर्सन इन पुलिस कस्टडी, ओनली दैट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रूव्ड विच आइदर अमाउंट्स कन्फेशन और नॉट, राइट। हम उस इंफॉर्मेशन के केवल उतने ही पार्ट को रेलेवेंट मानेंगे जो या तो कन्फेशन को स्ट्रॉन्ग करता हो या कन्फेशन को डिनाई करता हो, यानी जो उसके गिल्ट को प्रूव करता हो या उसके क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को कम करता हो। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 27 के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पहला, एक्यूज्ड पर्सन जिस समय इंफॉर्मेशन दे रहा है उस समय वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। दूसरा, किसी पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर के इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिस समय इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक एक्यूज्ड होना चाहिए, वो एक अपराधी होना चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो उसके
ऊपर लगे एलिगेशंस को लेकर के होना चाहिए। तो दीज आर दी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 27, राइट। अब देखो तो तीन बातें हैं कि एक तो पुलिस कस्टडी, दूसरा एक्यूज्ड होना, तीसरा कन्फेशन। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में कि फॉर अ कन्फेशन मेड टू द पुलिस एडमिशिबल अंडर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो अगर एक्यूज्ड पर्सन पुलिस कस्टडी में कन्फेशन करता है तो इसके दो एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला, इंडिविजुअल एक्यूज्ड होना चाहिए इन एनी ऑफेंस। दूसरा, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए एट द टाइम व्हेन कन्फेशन वाज मेड। तो सेक्शन 27 के ये जो दो एसेंशियल्स हैं इन्हें फुलफिल करना चाहिए। तीन जजों के बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के बेंच ने क्या रूलिंग दिया उसे हम अभी समझते हैं। देखो, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार ने ये कहा, दे वर हियरिंग एन अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ एमपी हाई कोर्ट। तो इन तीन जजेस का बेंच एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट को सुन रहे थे अपील में, और इन्होंने ये कंफर्म किया कि कॉन्विक्शन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव का जो कॉन्विक्शन था लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, उम्र कैद का, डेथ पेनल्टी राजा यादव और राजेश यादव का इन रिलेशन टू किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ 15 ईयर ओल्ड बॉय। तो यानी ओम प्रकाश यादव, राजा यादव और राजेश यादव, ये तीन एक्यूज्ड पर्सन थे। इन तीनों के ऊपर एलिगेशंस लगा था एक 15 साल के बच्चे का मर्डर करने को लेकर के। एमपी हाई कोर्ट ने इन्हें ये सज़ा दिया था, ओम प्रकाश यादव को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी राजा यादव एंड राजेश यादव। अब यहाँ पे एपीलेंट थे, अपीलकर्ता कौन थे? ओम प्रकाश यादव, यानी ओम प्रकाश यादव ने एमपी हाई कोर्ट के इस जजमेंट को चैलेंज किया और अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। ओम प्रकाश यादव को कॉन्विक्ट किया गया था आईपीसी के सेक्शन 364 ए, 120 बी ऑफ आईपीसी, और राजा यादव और राजेश यादव को गिल्टी पाया गया था आईपीसी के सेक्शन 302 अलोंग विथ सेक्शन 120 बी एंड सेक्शन 364 ए और 120 बी, ठीक है। तो ये सेक्शंस राजा यादव और राजेश यादव पर लगा हुआ था। अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश यादव के अपील को सुना, और जिस समय राजेश यादव का कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया था उन सर्कमस्टांसेस को सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पुलिस हैड रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट विदाउट फॉर्मली अरेस्टिंग हिम। पुलिस ने राजेश यादव के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड तो किया लेकिन उसे फॉर्मली गिरफ्तार किए बगैर। अब सेक्शन 27 क्या कहता है? मस्ट बी इन पुलिस कस्टडी, एक्यूज्ड पर्सन वाइल मेकिंग कन्फेशन मस्ट बी इन पुलिस कस्टडी। तो अगर आपने उसे फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया इसका मतलब वो अपराधी था ही नहीं। अगर आप उसे अरेस्ट करते तब वो अपराधी होता, ठीक है। अच्छा, पहला बात ये। दूसरा,
Consequently, he was not legally considered as accused of an offence at that juncture. अब क्योंकि आपने उसे गिरफ्तार नहीं किया था तो लीगली हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो accused person था, पहली बात. It was upon this contested confession that discovery of diseased body was made. राजेश यादव के recorded confession के basis पर diseased 15-year-old boy का dead body पाया गया था. अब कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एट द टाइम ऑफ कन्फेशन एपिलेंट राजेश यादव एंड हिज को एक्यूज्ड वर नॉट इन पुलिस कस्टडी में नहीं थे और राजेश यादव को FIR में एक्यूज्ड पर्सन नहीं माना गया था. ठीक है, कोर्ट ने कहा कि ये जो डिस्कवरी ऑफ डेड बॉडी है, मर्डर वेपन है और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इवन इफ इट वॉज एट द बीहेस्ट ऑफ राजेश यादव, तो भले ही राजेश यादव के स्टेटमेंट के बेसिस पे इन सभी चीज़ों को पाया गया, लेकिन फिर भी हम इसे राजेश यादव के अगेंस्ट नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट accused ऑफ एनी ऑफेंस एंड वॉज नॉट इन पुलिस कस्टडी एट द टाइम व्हेन ही कन्फेस्ड. जब राजेश यादव ने कन्फेशन दिया तो वो पुलिस कस्टडी में नहीं थे. और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने MP हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया. ठीक है, राजेश यादव के कॉन्विक्शन को एक्विटल में बदल दिया.